दोस्तों, अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में स्टक हो जाते हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि आगे क्या करना चाहिए। अगर आपके पास दो ऑप्शन है तो कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए? किस तरीके से आपको यूनिवर्स का सिग्नल मिलता है? आप बहुत समय से यूनिवर्स के सिग्नल का वेट कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से अपनी किसी भी इच्छा से रिलेटेड या फिर अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे पता लगा सकते हैं और अपनी जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ। बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों ने इस ट्रिक का इस्तेमाल किया है और अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि आप भगवान से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे पता लगा सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की मदद से इसका जवाब पा सकते हैं, और वो भी केवल एक दिन के अंदर। दोस्तों, आप सबको पता है कि हमारा दिमाग दो तरह के दिमाग से बना है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। दिन भर में सोच समझकर जितने भी डिसीजंस आप लेते हैं, वो सब कुछ आपके कॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होता है। आपका कॉन्शियस माइंड लॉजिक ड्रिवन होता है, यानी कि उसको हर चीज़ के पीछे लॉजिक चाहिए कि ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। और आपका कॉन्शियस माइंड मिरेकल्स पर बिलीव बिल्कुल नहीं करता है, यानी जादू पर विश्वास नहीं करता है। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड 90% आपके एक्शंस के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि वो सारे डिसीजंस जो आप अनकॉन्शियसली लेते हैं, वो सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होता है। यानी कि आपकी बॉडी की पूरी फंक्शनिंग, आपका डाइजेशन, रेस्पिरेटरी कंट्रोल, ब्रीदिंग, हार्ट पंपिंग, सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होता है। और जो कुछ भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो सारी बातें आसानी से मान लेता है और उस पर विश्वास करता है, उसको बिल्कुल सच मानता है। इसीलिए अगर आपको अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को टैप करना चाहिए, अपने अवचेतन मन से उसका जवाब पूछना चाहिए, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में इनफाइनाइट पावर्स होती हैं, क्योंकि आप भी यूनिवर्स का एक हिस्सा हैं। हम सब यूनिवर्स के संतान हैं, तो हमारे अंदर भी इनफाइनाइट पावर्स है कि हम अपने अवचेतन मन की शक्ति से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको वो ट्रिक बताता हूँ जिससे कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, रात में सोने से पहले आपको मेडिटेशन मोड में बैठना है, आँखें बंद करनी है, गहरी सांस लेनी है, अपने कॉन्शियस माइंड को बिल्कुल शांत कर देना है। जब आपका कॉन्शियस माइंड एकदम शांत हो जाएगा, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा, और उस वक्त आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, अपनी इच्छा से रिलेटेड या फिर अपनी किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो आपको ये बोलना है कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड, मैं तुम्हारी शक्तियों पर विश्वास करता हूँ। इसके बाद आप अपनी प्रॉब्लम बताइए कि मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, आप मुझे इसका सॉल्यूशन बताइए। इसके बाद फिर आप बोल सकते हैं कि मुझे सुबह तक इसका जवाब चाहिए, या फिर आप ये नहीं भी बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड रात भर में ही जवाब देगा। लेकिन जब आप अपनी प्रॉब्लम बता दें, उसके बाद आपको सीधा सो जाना है, किसी से बात नहीं करनी है, ना ही मोबाइल देखना है। जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड से मांगा है, या तो उसका सॉल्यूशन आपको अपने सपने में दिखेगा, आपको ऐसे ड्रीम्स आएंगे कि आपको अपना सॉल्यूशन दिख रहा है, या फिर कोई आपको ऑप्शन दिखेगा, कोई सिग्नल दिखेगा, किसी भी तरीके से आपको कोई सिग्नल मिल सकता है। अगर सिग्नल नहीं मिलता है तो आप सुबह तक वेट करें। सुबह जब आप उठें, तब एक जर्नल लें और उसमें अपनी प्रॉब्लम लिखें, और उसके बारे में सोचना शुरू करें कि उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। और जो भी सॉल्यूशन आपके दिमाग में आए, आप उनको लिखते जाइए। अगर आपको अभी भी इसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप इस टेक्निक को कई दिनों तक प्रैक्टिस कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि आपको एक दिन के अंदर या फिर कुछ दिनों के अंदर आपको इसका जवाब मिलेगा, और आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही मैंने कई सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा है, और आप भी इसकी मदद ले सकते हैं। इसी तरीके से आप भी अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, और आपको अपने सॉल्यूशन के लिए बाहरी लोगों पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी अंदरूनी शक्ति की मदद से अपनी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। अगर आप एफर्मेशंस लिखना सीखना चाहते हैं,
तो आप मेरी एफर्मेशन ईबुक डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से खरीद सकते हैं, जिसकी मदद से आप केवल 10 मिनट में 50 से भी ज़्यादा एफर्मेशंस लिख सकते हैं और एफर्मेशन ईबुक आपके ईमेल पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको कैलेंडर का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मेरे साथ कॉल बुक कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि अगर आप टाइम, मनी और एनर्जी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में और आपकी सभी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करने में। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।